हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बबीता की रसोई में। आज की रेसिपी है मेथी का पकोड़ा। चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मैंने यह मेथी को अच्छे से छांट ली थी और मैंने इसे अच्छे से धो लिया है मेथी को। अब हम इसे काटेंगे। आज मैं इसी का ही रेसिपी बनाऊंगी, मेथी का पकोड़ा। मेथी को मैं काट लूंगी। हम काटेंगे और बारीक या फिर मोटा भी काट सकते हो। लेकिन मैं मोटा मोटा ही काट रही हूँ, ज्यादा बारीक नहीं कर रही हूँ। यहाँ काट लिया है, इसे हम प्लेट में रख लेते हैं। बाकी मैंने यह मेथी का साग को काट लिया है। यहाँ पे मैंने एक कटोरी बेसन लिया है। यहाँ पे मैंने नमक लिया स्वाद अनुसार, ये धनिया पाउडर आधा चम्मच से कम, ये अजवाइन आधा चम्मच से कम है, ये किचन किंग पाउडर है मसाला आधा चम्मच से कम है, हल्दी कलर के लिए। यहाँ पे मैंने दो हरी मिर्च ली है और इसे मैंने काट लिया है। यहाँ पे मैंने दो प्याज लिया, इसे भी मैंने काट लिया है। यहाँ पे मैं यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता लिया है, इसे भी मैंने काट लिया है। यहाँ मैंने बर्तन लिया है, बर्तन में मैं बेसन डालूंगी। बेसन टीवी मेथी यहाँ पे मैं बाकी की सामग्रियां डालूंगी। धनिया पत्ता, प्याज कटा हुआ, इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स मैं हाथ से ही मिक्स करती हूँ, हाथ से अच्छे से मिक्स हो जाती है। चम्मच से उतना अच्छा नहीं मिक्स होता। अगर आपको चम्मच से पसंद है तो आप चम्मच से करिएगा, बट मुझे हाथ से ही सब चीज़ करना अच्छा पसंद लगता है मुझे। अच्छे से मैस करेंगे, फिर हम पानी देके गूथेंगे। सब अच्छे से मैस कर लेते हैं हाथ। मैंने यहाँ अच्छे से मैस कर लियो। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देकर गूथेंगे।
थोड़ा सा और पानी डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दी है गर्म होने के लिए। कढ़ाई यहाँ गर्म हो गई है, इसमें अब हम तेल डालेंगे। मैंने ये रिफाइंड तेल लिया है, आप चाहे तो सरसों का तेल ले सकते हो। तेल को हम गर्म होने देते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गई है, इसमें अब हम बड़ी डालेंगे। छोटा छोटा ही डालेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं डालेंगे, छोटा छोटा डालेंगे तो पकने में भी जल्दी पक जाएगी, और बड़ा बड़ा डालेंगे तो पकने में टाइम लगेगी। इसे हम पलट लेंगे। सब ऐसे ही फ्राई करेंगे, तलेंगे। फ्रेंड्स, मेथी का पकोड़ा ठंड में खाने में बहुत ही अच्छा होता है। फ्रेंड्स, ठंड में मेथी का पकोड़ा बनाकर खाइए, बहुत ही अच्छा होता है शरीर के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। मैं
मेथी का पकौड़ा खाने से शरीर को अच्छी एनर्जी मिलती है और बॉडी में गर्माहट रहती है, ठंड से बचाता है। थोड़ा सा और फ्राई होगा। मेथी के पकौड़े सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई हो गया, इसे अब हम निकाल लेंगे। मैंने ये सारा पकौड़े निकाल लिया है बनाकर। मैंने यह सारा पकौड़ा तल लिया है, इसे अब हम प्लेट में सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, मेथी के पकौड़े बनकर तैयार है, बहुत ही क्रंची और बहुत ही स्वादिष्ट। आप इसे धनिया या सॉस के साथ खा सकते हो। मैंने यहाँ धनिया का चटनी लिया है। अगर आप सबको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। थैंक यू।